नमस्कार साथियों आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ट्रेड विनिक्स चलिए दोस्तों आज की शुरुआत करते हैं तो अपना जो क्वार्टर क्वार्टर थ्री के रिजल्ट की सीरीज चल रही है उसके अंदर एक और शेयर का रिजल्ट आया स्वा स्वास्थ्य वनायका सेंथेथिक लिमिटेड स्वास्थ्य बनायका सेंथेथिक लिमिटेड के बारे में बात करने से पहले अगर अभी तक आपने अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पहले का बजाना बिल्कुल ना भूलिए तो देखिए क्वार्टर थ्री के रिजल्ट की बात चलिए से आज चौदह जनवरी और इसका रिजल्ट आया उसका क्वार्टर थ्री का तो इसके बारे में बात करने से पहले हम समझते हैं कंपनी क्या वर्किंग में और रिजल्ट कैसा है उसके बारे में हम बात करेंगे और न्यू टारगेट क्या रहेंगे उसके बारे में भी हम बात करेंगे तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना बोलिए तो स्वास्थ्य विनायका सेंथेटिक लिमिटेड के बारे में बात करता हैं तो स्वास्थ्य विनायक का सिन्थेटिक लिमिटेड करती क्या है ये सिंथेटिक फाइबर जो होता है ना उसके प्रोडक्शन का उसके उसके प्रोडक्ट का उसके तरह उसके स्वास्थ्य सिंथेटिक फाइबर को प्रोडक्ट करती है यानी मैन्युफैक्चर करती है सिंथेटिक फाइबर क्या होता है वो आपको थोड़ी देर में समझाता हूँ मैं आपको ये देखिए प्रोडक्शन पे चलते हैं हम इसके कंपनी की वेबसाइट पे हूँ मैं तो देखिए इस तरह के फोटो गैलरी पे देखेंगे जो इस तरह के क्लोथिंग होते हैं जो फाइबर से जो इस तरह के पॉलिस्टर होते हैं ठीक है ना लाइल उनके जोते कपड़े होते हैं ना ठीक है ना उस तरह के प्रोडक्शन ये फाइबर उसमें यूज होता है जैसे कि हमने कोई रस्सी जूट रस्सी देखते प्लास्टिक्स की तो वो उसमें भी सेंथेटिक सैं, फाइबर यूज़ किया जाता है तो बेसिकली प्रोडक्शन जो होता है ना इनका सेंथेटिक फाइबर ये मैन्यूफेक्चर करते सिन्थेटिक फाइबर बनाती कंपनी तो कंपनी काफ़ी अच्छी है इनका प्रोडक्शन भी काफ़ी अच्छा कंपनी काफ़ी लॉन्ग समय से कंपनी मार्केट में आपको ओनली बी एस सी में मिलेगी आपको तो आपको मोटा मोटा समय इस देखते हैं ये जो फाइबर के ये क्लोथिंग जो है सेंथेटिक फाइबर के द्वारा ही बने होते हैं ये लोग ठीक है ना पॉलिस्टर जितना भी ज़्यादातर फाइबर के द्वारा ही बनता है ठीक है ना अब चलते हैं शेयर के अंदर मूवमेंट क्या है आज का क्वार्टर थ्री का रिजल्ट क्या है उसके बारे में बात करते हैं देखिए स्वास्थ्य स्वास्थ्य बनाए का सेंथेटिक लिमिटेड के अंदर क्या चल रहा है देखिए आज चौदह जनवरी इसका जो तो रिज़ल्ट आया था मार्केट ऑफ होने के बाद आया था ये देखिए क्यों देखिए रिजल्ट का कंडक्ट हुआ था पाँच बजे और कंडक्ट हुआ था पाँच पैंतालीस पे अब आउटकम निकल के आया था तो अभी मार्केट ऑफ होने का इसका पूरा रिजल्ट आया तो मंडे के अंदर शेयर के अंदर कैसा मूवमेंट रहेगा वो थोड़ी देर में बताता हूँ आपको तो देखिए समझते हैं इसका क्वार्टर थ्री का रिजल्ट आया है तो देखिए इनकी जो सेल हुई है वो हुई है इनका जो रिज़ल्ट आया वो है लेक्स के अंदर ये देख सकते हैं आप तो इनकी जो सेल हुई है टोटल सेल हुई है ऑपरेशन ऑपरेशन सेल हुई है टोटल इनकी पाँच सौ एक लाख के अदर इनकम इनके साढ़े चार लाख के तो टोटल इनकम हो गई पाँच सौ पाँच लाख पॉइंट छियालीस लाख की और लास्ट क्वार लास्ट क्वार्टर इनकी सेल थी चार सौ निन्यानवे लाख की तो सेल तो में तीन परसेंट इजाफा देखने को मिला है चार सौ निन्यानवे लाख का और उससे पहले जो सेल थी तो उसमें बस आपको दो चार लाख का प्रॉफिट देखने को मिला बस ओनली देख सकते हैं आप लास्ट ईयर इनकी सेल थी पाँच लाख की वर के हुई है पाँच पॉइंट पॉइंट छियालीस लाख की यानी सेल में कोई फर्क नहीं दिख रहा है क्वार्टर क्वार्टर वाइज सेल में ग्रोथ देखने वाले ईयर ईयर ईरवाइज सेल में कोई फर्क डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा है बाकी चलते हम एक्सपेंस के अंदर तो देखिएगा तो टोटल एक्सपेंस इनके हुए हैं चार लाख का पिछले क्वार्टर था चार लाख का उससे पहले था चार लाख का तो देखिए आप देखिए जो इसका क्वार्टर क्वार्टर वाइज एक्सपेंस में ग्रोथ देखने को मिली एरिया वाइज एक्सपेंस में ग्रोथ देखने को मिल रही है हमारे को तो अब चलते हैं इसके अंदर टोटल इसको कितना प्रॉफिट अन हुआ है तो देखिए टोटल इनको नेट प्रॉफिट आया 30 तीस लाख का इस क्वार्टर में लास्ट क्वार्टर में तिरसठ लाख था उससे पहले पचास लाख था तो क्वार्टर तो क्वार्टर वाइज भी प्रॉफिट देखेंगे तो बहुत कम आया है फिफ्टी परसेंट डाउन आया मुनाफे से घाटे में चली गई कंपनी ठीक है ना और ईयर ईयर वाई भी घाटे में आई गई कंपनी तो आप देखेंगे तो इसका जो क्वार्टर क्वार्टर वाई भी नेट प्रॉफिट था यानी अच्छा खासा मुनाफा ना था वो घट चुका है फिफ्टी परसेंट डाउन आया है और क्वार्टर क्वार्टर वाई फिफ्टी परसेंट और ये ईयर वाई आपको बीस परसेंट डाउन देखने को मिलता है तो इसी वजह से शेयर के अंदर मूवमेंट देखने को मिलेगा आपको अब आप देखिए इसके अंदर ई पी एस कितना हुआ है ई पी एस इस क्वार्टर हो गया जीरो पॉइंट जीरो थ्री और लास्ट क्वार्टर ई पी का जीरो पॉइंट जीरो सिक्स और उससे पहले तो जीरो पॉइंट जीरो सेवन यानी कि फोर टाइम्स डाउन हो गया ईयर ईयर वाइज और थ्री टाइम्स डाउन हो गया है क्वार्टर क्वार्टर वाई तो मोरऑल द स्टोरी है कि यही क्वार्टर रिजल्ट इसका बेकार आया है सेल बस सेल में कोई फर्क नहीं आया बाकी इनका प्रॉफिट और औरफिट सब डाउन हो गया तो यह बहुत बड़े गिरावट को इंडिकेशन देगा चार्ट का चार्ट पे शेयर पे इंपैक्ट देखने को मिलेगा क्योंकि इनके पास सेल सेम रही है सेल में सेल भी कम आया ईयर क्वार्टर क्वार्टर ईयर वाई भी सेल में कमी देखने को मिली और हमें प्रॉफिट के अंदर भी कमी देखने को मिली है जिस वजह से हमारे ई के अर्निंग पर शेयर के अंदर डाउनफॉल देखने को मिलेगा अब इस क्वार्ट इस क्वार्टर का जो रिजल्ट आया इसका क्वार्टर थ्री का बहुत बेकार भी नहीं कहेंगे बाकी ये रिवलेज में आया बट इसका इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा मंडे के दिन इसमें एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिलेगी चलते हैं अब इसके अंदर और क्या है इसका समझते हैं तो देखिए इसका मार्केट कैप समझते हैं सबसे पहले हम तो इसका मार्केट कैप है एक करोड़ रुपये का ठीक है स्टॉक पी का बासठ पॉइंट एक का स्टॉक आर ओ सी इसका फोर पॉइंट फोर्टीन पॉइंट थ्री परसेंट का बुक वैल्यू इसके वन पॉइंट सेवेंटी सेवन बहुत कम बुक वैल्यू है और आर ओ इसका है ग्यारह पॉइंट ग्यारह पॉइंट एक परसेंट का डिविडेंड कंपनी नहीं देते है फेस विलीज की एक रुपये कंपनी के अंदर क्या पॉजिटिव साइन है कंपनी ऑलमोस्ट कर्जा फ्री है कंपनी ने अपना कर्जा कम किया है अब देखते हैं आज के दिन इसका ट्रेडिंग सेशन कैसा रहा वो देखते हैं तो कंपनी कब से उन्नीस से तो आज के दिन ये वन पॉइंट के साथ ग्रोथ के साथ ये बंद हुआ है तो आज ओपन होता है बारह रुपये अस्सी पैसे पर हाई मारा चौदह रुपये चौदह पैसे का लो मारा बारह रुपये अस्सी पैसे फिफ्टी टू हाई है इसका पंद्रह रुपये इतनी पैसे फिफ्टी टू लो है चार रुपये बावन पैसे का पाँच दिन के अंदर अभी तक इसने हमारे को माइनस में छः परसेंट रिटर्न दिया है वन मंथ के अंदर विदिन एक सौ दो परसेंट रिटर्न दिया पॉजिटिव में सिक्स मंथ के अंदर एक सौ छब्बीस परसेंट रिटर्न दिया पॉजिटिव में ईयर टू डेट के अंदर भी देख इसने अच्छे खासे रिजल्ट ईयर टू डेट के अंदर भी देख इसने हमारे को सेवन सात परसेंट रिटर्न दिया पॉजिटिव में अब देखिए ये शेयर एक तरह से पैनी शेयर भी मानेंगे और आज जो मूवमेंट आया था टेक्सटाइल फाइवर को लेके न्यूज़ आई थी गवर्नमेंट की तो उस न्यूज़ का इंपैक्ट इम्पैक्ट शेयर चल चुका है सात परसेंट बट मुझे लगता है जो इसका रिजल्ट आया रिजल्ट की इसमें गिरावट देखने को मिलेगी अगर आप ऊपर लेवल पर जैसे होल्ड नहीं कर सकते तो इसमें निकल जाइएगा क्योंकि अभी बता था क्यों निकलना है इसके अंदर से आपको तो देखिए हम क्वार्टर इसके पहले हम चलते हैं वीकली चार्ट पे तो सबसे पहले हम वीकली चार्ट देखेंगे इसके अंदर अगर आपने अभी तक अपना वीडियो लाइक नहीं तो पहले वीडियो लाइक कर लिया देखिए ये राउंडिंग पैटर्न के बाद ये देखिए यहाँ पे गया सोलर पे पे सोलर पे जाने के बाद यानी जनवरी में सोलर पे गया था उसके बाद से फिर इसमें कंसेंट्रे गिरावट हुई अब फिर से ही आप ट्रेंडिंग दिखा रहे इसने लास्ट तीन वीक से अब ट्रेंडिंग दिखा रहा है बाकी इस विकमें जो कैंडल बन रही है ये भी अच्छी खासी गिरावट को इंडिकेशन दे रही है अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है यहाँ पे इस एरिया के अंदर अच्छा खासा शेयर फंसा हुआ था यानी दो रुपये तीन रुपये चार रुपये चार रुपये से ऊपर नहीं जाता था अब तेजी देखने को मिली चार रुपये के बाद ये सीधा गया सोलह पंद्रह रुपये फिर वहाँ से फिर से गिरावट देखने को मिली अब ये फिर से गिरेगा जब तक ये सात रुपये सात रुपये छः रुपये नहीं आता इसमें आप फ्रेश बैंग बिल्कुल नहीं करनी है अगर आप ऊपर के लेवल पर पे दस निकल जाइएगा क्योंकि इसमें जो रिजल्ट आया इसका रिजल्ट काफ़ी ख़राब नहीं कहेंगे बट ये है कि रिजल्ट का इंपैक्ट है सेल में आपका घाटे में आई है कंपनी तो डेफिनेटली मुनाफे से घाटे में गई है तो इसमें गिरावट देखने को आपको मिलेगी क्योंकि ये पहनी शेयर की तरह ट्रेड करती हैं इनका लिवरेज भी कम होता है तो बहुत चीज़ें देखनी पड़ती है इस चीज़ में हम क्या करते हैं हम लोग वो शेयर को प्राइस एक्शन देखते हैं तेरह दस रुपये चला तो हम उसमें बल्क बाइंग करके बैठ जाते हैं और उसका इंडिकेशन नहीं देखते शय कंपनी किस तरह से मूवमेंट कर रही है कंपनी का क्वार्टर क्वार्टर रिजल्ट आ रहा हम उस पर कोई न्यूज वो बाकी चीज़ें हम लोग कुछ नहीं देखते फंडामेंटल एनाल नहीं करते बस आँख बंद करके हम बाय करके बैठ जाते हैं कि कहते हैं भैया अब ये चल रहा तो यहाँ से और चलेगा ये बट अब यहाँ से आपको क्या करना है आपको फ्रेश बाइंग नहीं करनी है अगर आप ऊपर के लेवल पर ले पे तो उसमें होल्ड कर सकते तो होल्ड करिए बाकी मुझे लगता है सात रुपये छः रुपये से पहले इसमें फ्रेश बैंग बिल्कुल नहीं करनी है यहाँ से गिरावट देखने को मिलेगी आपको अच्छी खासी अब चलते हैं इसके डेली चार्ट पर, डेली चार्ट देखिए ये यानी कि ये 28 दिसंबर के बाद से इसमें अपर सर्किट लगना स्टार्ट होता है अपर सर्किट लगते हैं पंद्रह या पंद्रह के बाद फिर लोअर सर्किट लग रहा है मैंने आपको वीकली चार्ट पे दिखाया था दूसरा बार यानी फिफ्टी टू हाई के बाद से फिर गिरावट भी फिर रख का फिर गिर रहा है तो देखिए आज जो ये अप हुआ है न्यूज़ की वजह से अप हुआ था शाम के टाइम इसमें न्यूज़ आई थी टेक्सटाइल शेयरों को लेकर तो उसके न्यूज़ का इंपैक्ट इसमें देखने को मिला बाकी इंडिकेशन अच्छे खासे गिरावट के देख देखने को मिल रहा है हमारे को चार्ट के अंदर देखिए यहाँ पे कोई चार्ट पे कोई ऐसा कुछ नहीं है ये पूरा चार्ट दो रुपये तीन रुपये चार पे से ऊपर नहीं गया था अचानक चार रुपए ऊपर जा चुका है तो अभी इसमें मेरा मानना है कि जो रिज़ल्ट आया रिजल्ट के अकॉर्डिंग मेरा मानना है कि इसमें आपको फ्रेश बैंक बिल्कुल नहीं करनी है अगर आप इसे होल्ड करें तो होल्ड तो करिए बाकी मेरा मानना है कि इसमें जब तक छः रुपये सात रुपये के लेवल नहीं आता इसमें फ्रेश बैंक बिल्कुल नहीं करनी आपको ठीक है इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा नहीं आया है मिला जुला रिजल्ट आया बट मेरे हिसाब से ख़राब है क्योंकि जब इसका प्रॉफिट ही ख़त्म हो चुका है तो कंपनी के अंदर सेल से प्रॉफिट प्रॉफिट डाउन हो गया मानते कि सेल बढ़ के आती तो मानते कोई बात नहीं प्रॉफिट हो तो मैं सेल तो सेम है ये रियर वाइज सेल सेम है बाकी क्वार्टर क्वार्टर वाइज सेल में आपको देखने को मिल रहा है बाकी रिजल्ट बेकार आया है मेरे हिसाब से तो आप उसमें अवॉइड करने शेयर को अपने पोर्टफोलियो से निकाल सकते हो तो निकल जाइए प्राइस बाइंग बिल्कुल नहीं करनी है अभी टाइम के लिए से अवॉइड करिए जब इसमें करेक्शन के बाद फिर से अब ट्रेंडिंग आएगा तो उसमें डेफिनेटली बाय करके आप अपने कैपिटल को ग्रोथ कर सकते हैं अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर फॉरवर्ड करना बिल्कुल ना बोले थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो